1938 सूरत के पास हरिपुरा कांग्रेस जो फेमस है, कांग्रेस के इतिहास के जो टर्निंग प्वाइंट है, उस कांग्रेस के इतिहास के टर्निंग प्वाइंट में 1938 का महत्व है। और उस समय हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष बाबू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था और अपने बलबूते पर किया था, किसी के आशीर्वाद के कारण प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपना दम दिखाया था और वजह यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था। लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला दिया, उस घटना को भुला दिया गया। वरना किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग प्वाइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। 70 साल से भारत सरकार की पॉलिसी था सब कुछ छिपाने के लिए, दबाने के लिए, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, डिसीट, ये पॉलिसी था। ये पॉलिसी का आज परिवर्तन आ गया। पहले बार भारत को ट्रांसपेरेंट सरकार मिली है। सुभाष चंद्र बोस नेशनलिस्ट थे, हीरो ऑफ एशिया थे, क्रांतिकारी थे, ना वो वॉर क्रिमिनल थे। तो आज जनता विचार करे कि मिस्टर नेहरू वॉज राइट और द नेशन इज राइट।